सो स्वागत करता हूँ आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। आज है 26 नवंबर और मेरी ट्रेन है कल सुबह 8 बजे। इस बार हम लोग जा रहे हैं 7 सिस्टर नॉर्थ ईस्ट पूरा एक्सप्लोर करने। पता नहीं 100 डे का होगा या 50 डे का ट्रैवलिंग होगा, पता नहीं, लेकिन माइंड सेट है कि जब तक तो चैनल मोनेटाइज इनेबल नहीं हो जाता तब तक हम लोग नहीं आने वाले हैं, कंटिन्यू ट्रैवल करेंगे हम लोग। तो क्या क्या मैं सामान लेकर जा रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट इस ठंडी में, मैं आप सबको इस वीडियो में दिखाऊँ। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना, पढ़ाई आपके आप को वीडियो पसंद आएगी। चलो शुरू करते हैं। तो ये हम लोग भारत यात्रा का बोर्ड है, इसके सहारे हम लोग पूरा जो जर्नी है पूरा जर्नी कंप्लीट करेंगे। और लिफ्ट लेकर मतलब पैसा है ही नहीं हम लोग के पास, अच्छी का पैसा नहीं है। और उसके अलावा ये अपना कैमरा का बैग हो गया, इसमें अपना कैमरा रहेगा, उसके वजह से कुछ मोबाइल की अच्छी चीज़ है। और सबसे बड़ी चीज़ अपना फ़ोन या मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा ये दो स्टैंड है, एक गोप्रो का एक फ़ोन का, तो पता कदर शूट लेना अगर तो गोप्रो का स्टैंड से लेंगे। और बाकी फ़ोन है अपने पास, फ़ोन का स्टैंड है तो चल ही जाएगा। एक पानी का बोतल और इधर और इस बार दो बैग लेकर जा रहे हैं। ये हो गया अपने पास, ये नया बैग ऐड नौ सौ, तो ये 5 साल पहले का बैग है, जब स्पीलिंग कर रहा था तब का है, पुलिस ने इसको साथ से एक मोबाइल कह रहा था नहीं ले गया। उसके अलावा एक ये अपना बड़ा बैग हो गया, 10 बैग 90 लीटर वाला बैग हो गया। ये हो गया दो चीज़ और ये अपना करीब मैंने थोड़ा नहीं देख पाई। ये अपना कपड़ा हो गया, जो जरूरत का सामान है, इधर हो गया ये इधर। ये डिपेंड करता है आप कौन सा टाइम आ जाते हो, कौन सा वेदर में जाते हो, अपने हिसाब से कपड़ा को अरेंजमेंट कर सकते हो। ये मेरा जूता था, ये जूता मैं इसको अपने लोकल मार्केट से लिया था 250 रुपये में। इससे पहले राजस्थान वाली ट्रिप में देखो मैं दिल्ली में गया था, वो भी है अभी चलता है, लेकिन रिक्स नहीं करना कब धोखा देगा। और उसके अलावा ट्रैवलिंग करने के लिए 3 चीज़ ही रहती है, एक होता है ट्रांसपोर्टेशन और दूसरा चीज़ होता है स्टे करने का और फूड का। तो इंडिया में कई बार भी ट्रैवल करते हो तो 40 रुपये 50 रुपये लगभग तो फूड मिल ही जाता है, और रहने के लिए होटल वगैरह जो कि हम लोग को बस के बाद नहीं है। तो रहने के लिए ये अपने पास पहले बात करते हैं रहने के लिए अपने पास ये ठीक है, तो हम किचुआ का टेंट हो गया, इसका प्राइस पड़ा था करीब 2500 रुपये। तो ये हो गया रहने का इंतजाम और साथ ही साथ इस ठंडी में कैसे रहें। तो उसके बाद अपना आ गया स्लीपिंग बैग, जो कि दिल्ली में मैं इसको बाई किया था आर्मी कैंप से, तो इसका प्राइस पड़ा था करीब 1000 रुपये। ऑलरेडी मैं 10 और इसका और वीडियो बना चुका हूँ, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जा कर चेक कर लेना अगर देखना चाहते हो। तो ये हो गया रहने का। अब बचा अपना खाने पीने का, तो खाना पीना कैसे मैंने पहले तो इस बार बहुत चीज़ चेंज की है इस ट्रैवलिंग में। तो ये हो गया दो कटोरा, अभी चाय बना लो अभी कुछ भी बना लो अपने हिसाब से जो पसंद करे, मैगी कुछ भी बना लो दो कटोरा। उसके अलावा दो सिलेंडर, एक 15-20 दिन तो चली जाएगा उम्मीद है, ज़्यादा तो बनाएंगे लोग मेरी फिर चाय ही बनेगा। कटोरा ना 15-20 दिन एक सिलेंडर चली जाए ज़्यादा बनाएंगे लोग, बाकी जो लगेगा तो उधर खरीदा जाए खरीद लेंगे लोग। उसके अलावा ये स्टोव, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, काफ़ी टाइम से सोच रहा था इसको बाई करने के लिए बट बाई नहीं कर पाया। इसको ऐसे करके लगाते हैं, आवाज़ आए कट से ना तो ये फिट हो जाएगा। उसके बाद इसको आप ऐसा करेंगे कम्फर्टेबल आप कर सकते हो आराम से, इधर ये नीचे का हो गया। और अगर आप ये चीज़ को लेते हो तो इसको लिए माचिस वाला दरकार नहीं है, यहाँ पर सुई से इसको आप पिन करोगे पुश करोगे वो ऑटोमेटिकली चल जाएगा। तो ये ऐसी चीज़ है।
चार्जर, ये प्लेट और ये मसाला वसाला का सामान होगा। उसके अलावा कुछ ज़रूरत का चीज़ जो अपने को काम लेगा, सबसे पहला चीज़ मेडिसिन है मेरा, इसमें हामूप का स्प्रे है, सराडोन है, पैरासीटामोल है, बस और कुछ नहीं। और एक ओमी है जो गैस के लिए यूज होता है, वो हो गया। और ये सरसों का तेल, अंडा उंडा बनाने वाने का परे तो इस्तेमाल कर सकते हैं, ना तो फिर उसको सर में भी लगा सकते हैं। ये अपना हेडफोन वॉइस ओवर देने के लिए, कभी बोरिंग फील हो उसके लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है पावर बैंक, तो पावर बैंक ले लेना, कहीं पर भी जाना, कुछ रहे ना रहा, पावर बैंक ले लेना। और ये झंडू बम सर दर्द करे तो, और बाकी कोलगेट, साबुन, सैनिटाइज़र जो जरूर जाना काम में आता है, ये फेस वॉश, लाइट और चाय पत्ती, चाय वगैरह बनाने के लिए। और इस बार डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ आधार कार्ड और पिन कार्ड ही लेके जाना हूँ, जो मैं लेके जाता हूँ हमेशा। और सिर्फ फ़ोटो वगैरह ज़्यादा लेना क्योंकि परमिट वगैरह लेने के लिए काम आता है। और एक चीज़ बच गया, ये मसाला वसाला रखने के लिए, अभी तो कुछ रखे नहीं है, खाली है, जाने से पहले रख लेंगे। और बाकी कुछ नहीं है, बस ये सूटर है, अपने पास सैंपल है। तो इस बार एक और चीज़ ऐड किया है, ये रहा बैनर, इस बार बैनर भी छपवा रही है क्योंकि काफ़ी टाइम काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ट्रैफिक करने के बाद। आप आगे बैठे होते हो कोई ऐसा बंदा मिल गया जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, ऐसे ये रहता तो लोग समझ जाते कि हम लोग क्या कर, ज़्यादा स्प्रे की जरूरत नहीं पड़ती है। ये रहा ऑल इंडिया ट्रैवल भारत यात्रा नो मनी, और इसके अलावा सब्सक्राइब जो अपना यूट्यूब का जो लोगो है, और इंस्टाग्राम फेसबुक पे यही सेम अकाउंट है, अगर फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पर तो प्लीज़ फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ अपडेट आप सबको जल्दी मिलेगी। यूट्यूब पर आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन आ ही जाएगा, इस बार कंटिन्यू आएगा वीडियो। और उसके अलावा सेव वाटर सेव लाइफ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो बस ये इसका होगा, बहुत अच्छा लगा इस बार। चलो अगर कोई दिक्कत नहीं है कल से, मैं GoPro Hero 5 से वीडियो शूट करता हूँ। ये रहा GoPro Hero 5, काफ़ी पुराना लेकिन चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, और कुछ नहीं है। और हाँ, एक छुरी किसी को गर्दन काटने के लिए काम में आ जाएगा। और हाँ, इस ट्रिप पे मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड भी जा रहा है, जो कि इनका ऑलरेडी एक यूट्यूब चैनल है, तो इनका भी चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाकर चेकआउट कर लेना। तो ये सोलो ट्रैवलिंग नहीं होने वाली है, दो दोस्त हैं, दोनों घूमेंगे और आपको भी घुमाएंगे। बोले सब्सक्राइब करने के हमारे चैनल को, अपना नहीं। अरे ये जो आसाम का वीडियो देखो व्यापक सीरीज में, उसमें चीजी था एक बोल के तमिलनाडु का बंदा, उसको जब बोल गया अपना चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, तो अपना ही सब्सक्राइब करने के लिए करता था। ये भी वही कर रहे, आप प्रमोट नहीं करना भाई किसी को भी। तो इनका चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन ना, तो एक बार जाकर देख लेना। तो चलिए मिलते हैं आप सबको रोज़ाना एक नया मिनी ब्लॉग के साथ, और कल सुबह अपनी ट्रेन है 27 नवंबर को, जो कि कमखिया जाएंगे, उसके बाद एक होस्ट उनके घर पर जाएंगे। बाकी का वीडियो कंटिन्यू स्टार्ट होता रहेगा, अगर चैनल पर नया हो तो प्लीज़ अभी बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं आप सबको फिर से एक नई जगह एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए,